क्या कहना है। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मुझे एक बार उसे सुधारने का मौका तो दो। तुमने जो किया वो कम था क्या? ये मत समझना कि मैं वो सब भूल चुका हूँ। मैं जानती हूँ अर्जुन कि मैंने जो किया उसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन मैं उसके लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। अब क्या नया नाटक खेलने आई हो तुम? नाटक नहीं कर रही हूँ अर्जुन, मैंने तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैंने ऐसा क्यों किया वो सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं जब से तुमसे मिली हूँ तभी से समझ पाई हूँ कि इंसानियत क्या होती है। प्यार का नाटक करते करते मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी, क्योंकि प्यार का सबक भी मैंने तुम ही से सीखा है अर्जुन। मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी, समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने लोगों को एक दूसरे के लिए मरते हुए देखा है, लेकिन प्यार में मारते हुए मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी नादानी समझ कर मुझे माफ कर दो। I'm sorry. Please forgive me, please. तुम अपने जाल में फंसा के और कितने लोगों की जान लोगी? मेरे पिता को क्यों मरवाया? तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। देखो अर्जुन, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने के लिए खेल खेल रही है। अनजाने में हुई भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजी को भगवान भी माफ नहीं करते। Let's go, अर्जुन। बेटा क्या सोच रहे हो? बेटा एक बात बताओ माँ, दिल ही हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है? ऐसा क्यों सोचते हो? मन ही मन की भावनाओं को समझ सकता है। वैसे क्या हो गया है बेटा? आज अंजलि आई थी माँ, उसने माना कि वो मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। मुझसे दूर होने के बाद वो मेरे प्यार को समझ पाई। इसका मैं क्या मतलब निकालूं? इंसान एक दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन एक सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। उसकी कोई तो मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो तुम्हारे डैडी के दुश्मनों के लिए काम कर रही होगी। इस बात को तू अपने ठंडे दिमाग से जरा सोच कर तो देख, इसमें गलत क्या है और सही क्या है। इसका जवाब तुम्हारा अपना दिल ही तुम्हें दे देगा। गायत्री, व्हाट आर यू डूइंग? अभी अभी वो उसे भूल कर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसे बार बार उसी रास्ते पर चलने के लिए कह रही हो। उस लड़की के बारे में सोचना अब तेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। वो लड़की ही नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हुई है डैड। अंजलि की बातों में मुझे सच्चाई लगी। आई डोंट थिंक शी इज लाइंग। आई डोंट बिलीव दिस। आज तक मैंने तेरी किसी भी बात का विरोध नहीं किया अर्जुन। आज मेरी समझ में आ रहा है कि तू उस लड़की के पीछे इस तरह पागल क्यों है। अर्जुन, तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उस लड़की से मेरी बात करा। थैंक यू डैडी, गुड नाइट। दिखा रही हो, वो अर्जुन को क्यों नहीं दिखाती? एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अर्जुन को अपने जाल में फंसा कर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। हमारा खेल धरा का धरा रह जाएगा, वो अपने मकसद में कामयाब होने जा रहा है। आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं सब ने मेरे काम से खुश होकर मेरी तारीफ ही की है, लेकिन मेरे कामों से ना खुश होने वाले तुम पहले इंसान हो। यानी तुम मेरा काम ठीक से नहीं करोगी? जस्ट चिल, जो नहीं होना था वो हो रहा है, और जो हो रहा है उसे बदलना मुझे आता है। Cheers. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऑटो, 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 ऑटो। हाय अंजलि, कहाँ जा रही हो? Come on, I'll drop you. नहीं रहने दो। क्या हुआ? कल तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए तुम मुझसे नाराज हो गया? I'm sorry. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद वही करती।
तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ओके देन कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ओके थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे क्या देख रही हो? सुना है अर्जुन के साथ शादी करने जा रही हो? पता है तुम बहुत लकी हो। बात पक्की हो गई क्या? क्या तुम अपनी लाख कोशिश कर लो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन सकती हूँ। मेरा फैसला अटल होता है। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। ये बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी और अर्जुन की शादी रोक सकती हूँ। अर्जुन को पाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें जिंदगी भीख में मिल सकती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रिया? अर्जुन को तुम भूल जाओ, उसे भूल जाओ। अर्जुन को भूलने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। मैं भी वही चाहती हूं। तुम्हारे मर जाने के बाद वो तड़पेगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हें देखकर होती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो मैं अर्जुन को सब बता दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ये बात उसे बताओगी ना? बच्ची की हालत कैसी है? वो सीरियसली इंजर्ड हुई है और बहुत सारा खून भी बहा है। 24 घंटे के पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, किसी भी हालत में उस बच्ची की जान बचाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। रिया, कोई भी काम तरीके से किया करो। उसने होश में आने के बाद जुबान खोल दी तो सबके सामने मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम उन लोगों को जानती नहीं हो और ये भी नहीं जानती हो कि वो उससे किस हद तक प्यार करता है। वो बचती है तो बच जाए, मैं उसे फिर से मार दूंगी, लेकिन मेरा हथियार बदल जाएगा। एक ही चाल में बाप और बेटा दोनों हलाल हो जाएंगे। वो कैसे? कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। राजनीति मेरी कमजोरी है। मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं। That's my girl. This way. हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं, राजी खुशी बात करने के लिए आए हैं। मेरे भाई, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी दुश्मनी दोनों मैं ठोकर खाने के बाद अच्छी तरह समझ गया हूँ। भाई क्या करूँ, मेरी मत जो मारी गई थी, मेरी कुर्सी चली गई तो तुम्हारी मदद से उसे वापस हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद वो मेरे पास कैसे रहेगी? वो तो किसी दूसरे नेता के हाथ में चली जाएगी ना। आखिर आपस में लड़ने से क्या फायदा है? हाँ भाई, भाई रेड्डी बिल्कुल सच कह रहा है। अंजलि का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, उस भवानी शंकर ने ही करवाया। हाँ ये सच है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आने पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देता हूँ, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं है। आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। भाई भाई, वो लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं और ये देखकर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता हूँ। भाई उसे आज ही मार डालूंगा।
नहीं, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। मैं हूं उसकी एक गलती की वजह से आज अंजलि हॉस्पिटल में है और मेरे बेटे की यह हालत हुई है। Enough! अब इस खेल को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अर्जुन बेटा, मैंने एक दिन तुझे हथियार उठाने से रोका था, आज मैं कह रहा हूं इस खेल का अंत कर। यह सिर्फ तू ही कर सकता है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन अब भवानी शंकर जिंदा नहीं बचेगा। वो कहीं भी हो।